और यह संसार दो प्रकार का होता है, एक हमारे शरीर के अंदर स्थित संसार है, एक लौकिक संसार है जहां मुर्दों को जलाया जाता है। जहां मुर्दों को जलाया जाता है वह भी संसार है, और शरीर के अंदर जिसको हम अपने आप में दबोचते हैं, अपने शरीर में सैकड़ों इच्छाओं को हमने दफन करके रखा है, कई बातें हैं जो हम कह नहीं पाते हैं। मुझे गाली देने की इच्छा होती है, मैं गाली दे नहीं सकता, एकदम से जवाब रुक जाती, उस गाली को मैं दफन कर देता हूं। किसी के प्रति गुस्सा नफरत है जो मैं कहता नहीं हूं, उसको हम दफन कर देता हूं। ये सारी दफन करने की जो जगह है वह भी हमारे शरीर में एक संसार। अंदर के संसार को जागृत करने के लिए क्रीम शब्द की जरूरत है, बाहर के संसार को जागृत करने के लिए क्रीम जो यदि आप कभी संसार में जाकर के और सर्वशक्तियों की माला मंत्र जाप करते हुए या पैन करके और क्रीम मंत्र की आप चार पांच मालाएं फेरे तो आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि क्रीम मंत्र में कितनी ताकत है। यह मंत्र अपने आप में बीज कितना ताकत फोर्सफुल है यह उस समय महसूस हो सकता है, यहां बैठे महसूस नहीं होता, क्योंकि सारा संसार स्वतः जागरण होने की क्रिया प्रारंभ हो जाएगी। पहले धीरे धीरे होगी, फिर तेज होगी, फिर बहुत तीव्रता होगी, बहुत ज्यादा तीव्रता होगी। जितना आप इस मंत्र को जपेंगे उतनी तीव्रता बन जाएगी। यह मंत्र उतना ही ताकतवान है क्योंकि बीज अपने आप में कंप्लीट मंत्र है, और क्रीम बोलेंगे तो अंदर का सारा संसार जागृत होगा, अंदर का सारी हमारी न्यूनताएं समाप्त होंगी। संसार में चीज समाप्त होती है, पैदा नहीं होती, विसर्जन होता है, और अंदर जितनी भी हमारी कुटेव है, दुर्भावनाएं है, दुश्चिंतताएं हैं, जितनी भी हमारी न्यूनताएं हैं वे समाप्त हों, क्योंकि वे समाप्त होंगी तो शरीर में इष्ट समाहित हो सकेगा। इसलिए वो सारी छल झूठ असत्य कपट व्यभिचार जितना भी हमारे जीवन की न्यूनताएं कमियां, उन सारी कमियों को समाप्त करने के लिए जिस बीज मंत्र का उपयोग किया जाता है वह क्रीम क्रीम, और यह क्रीम बीज त्रिवर्गात्मक है, क्योंकि संसार में तीन लोक हैं, स्वर्गलोक, मृत्युलोक, पाताल लोक। त्रिगुणात्मक स्वरूप है महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, और मनुष्य भी त्रिरूपात्मक है। मनुष्य अपने आप में राक्षस भी है, मनुष्य अपने आप में मनुष्य भी है, मनुष्य अपने आप में देवता भी है। हम कई मनुष्यों को कहते हैं कितना देवता आदमी है ये, कितना बड़ा आदमी, और दूसरे मनुष्य कहते हैं बड़ा राक्षस पिताज था, बहुत दुष्ट। हम मनुष्य को ही राक्षस कहते हैं, मनुष्य को ही देवता कहते हैं, और मनुष्य को ही मनुष्य भी कहते हैं। मनुष्य राक्षस भी बन सकता है, मनुष्य देवता भी बन सकता है। इसलिए मनुष्य के तीनों रूपों को पूर्णतः समन करके, तीनों रूपों को शांत करके शुद्ध रूप से साधक बनने के लिए जिस बीज मंत्र का सहारा लिया जाता है वह क्रीम बीज है, त्रिबीजात्मक क्रीम क्रीम क्रीम। तीनों क्रीम बोलने पर एक संयुक्त वर्ण बनता है। इसलिए साधक पहले पूर्णतः पवित्र और दिव्य बने, इसलिए क्रीम बीज का सहारा लिया। उसमें पूर्णतः देवत्व आ सके इसलिए क्रीम बीज का सहारा लिया है, और सबसे बड़ी बात कि उस महाकाली जैसी विराट रूप को शरीर में समाहित होने के लिए शरीर तैयार हो सके इसलिए क्रीम बीज का, क्योंकि अंदर का सब कुछ भस्म जिस दिन हो जाएगा, उस संसार में जिस दिन सब कुछ समाप्त हो जाएगा, उस खाली जगह में उस महाकाली को हम स्थापित कर सकेंगे। इसलिए पूरे शरीर को चैतन्य करने की क्रिया, पूरे शरीर को एकदम समर्पित करने की क्रिया, पूरे शरीर को देवत्व बनाने की जो क्रिया और जो उसका मंत्र है वह क्रीम मंत्र।